शिवपुरी दौरे पर सीएम शिवराज पंचायत एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम में होंगे शामिल। महिला स्व सहायता समूह के खाते में डालेंगे 350 करोड़ की राशि। विधायक बृहस्पति सिंह के बयान पर सिंहदेव का पलटवार, बोले ना मैं सिंधिया हूं और ना मैं अमरिंदर हूं, मैं अवसरवादी नेता नहीं हूं, मैं 100 जन्मों में बीजेपी में नहीं जाऊंगा। दिग्विजय सिंह ने भरे मन से केआरएसएस और अमित शाह की तारीफ, कहा नर्मदा परिक्रमा को लेकर अमित शाह और संघ ने किया हमारा सहयोग। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर, बालाघाट के चावलों को मिला जीआई टैग। बालाघाट के किसानों को जीआई टैग मिलने से होगा फायदा। दिल्ली से वापस लौटे सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद लौटे भोपाल। राज्य में चल रही केंद्र की योजनाओं पर दोनों नेताओं ने की चर्चा। सीएम ने कहा एमपी में खोले जाएंगे 350 सीएम राइज स्कूल। भोपाल में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक, 2 अक्टूबर को पीसीसी चीफ कमलनाथ लेंगे बैठक। मीटिंग में पार्टी पदाधिकारी हुए शामिल, उपचुनाव की रणनीति और प्रत्याशियों पर हुई चर्चा। एमपी में डेंगू का कहर जारी, प्रदेश में मरीजों की संख्या 5,500 के पार पहुंची। मंदसौर में 1,100 से करीब मरीजों की संख्या, राजधानी भोपाल में मरीजों की संख्या पहुंची 357। डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित है बच्चे, 92% मरीज 1 से 14 साल के बीच। कोंडागांव में फिर बढ़ने लगा कोरोना का कहर, बोरगांव के स्कूल में 5 कोरोना संक्रमित छात्र मिलने के बाद स्कूल को किया गया सील। रायपुर में बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने दिया धरना, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना। महासमुंद में 6 सूत्रीय मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय धरना, पटवारी कार्यालय के सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका पटवारियों ने दिया धरना। बिलासपुर में डॉक्टर की आईडी हैक कर शख्स ने जारी किया 36 फर्जी प्रमाण पत्र, डॉक्टर ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। सिवनी में बैन गंगा नदी के पुल से छलांग लगाने वाले युवक का शव बरामद, 36 घंटे बाद पुलिस ने एसडीआरएफ टीम की मदद से शव को निकाला। उज्जैन में खाद्य विभाग ने की कार्रवाई, 585 किलो की नकली हींग जब्त किए गए, सभी सामानों की कीमत 14 लाख रुपए से ज्यादा। सिवनी में जंगल से भटका पैंगोलिन कुएं में गिरा, वन अमले ने रेस्क्यू कर बचाई जान। दुर्ग में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने चलाया अभियान, सिविल ड्रग्स में मॉर्निंग गश्त पर निकले पुलिसकर्मी, पब्लिक कनेक्टिविटी पर दिया जा रहा है जोर। कोरबा के जंगलों में लकड़ी के तस्करी जारी, वन विभाग की टीम ने सागौन की लकड़ी लदी गाड़ी को जब्त किया। मोहल्ला मानपुर में युवक ने कुल्हाड़ी से बुजुर्ग पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। कोरबा के बंद लक्ष्मण खदान में मिली लापता किशोरी की लाश, ड्रोन कैमरे की मदद से खोजा गया शव, पिछले 1 हफ्ते से लापता थी किशोरी। जशपुर में पति ने की पत्नी की हत्या, कुल्हाड़ी मारकर उतारा मौत के घाट, बगीचा थाना के घुघरी गांव की घटना। बिलासपुर में मकान का स्लैब गिरने से मलबे में दबा युवक, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। ग्वालियर में सड़क किनारे उल्टी कार करते व्यक्ति की हुई मौत, हार्ट अटैक से मौत की आशंका, घटना का सीसीटीवी फुटेज आए सामने। आज से बैंक से लेकर राजमर्रा के जुड़े कई नियम बदले, सभी पर असर पड़ना तय। ओबीसी, यूबीआई और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक बेकार, तीनों बैंकों के दूसरे बैंकों में विलय। 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स जमा कर सकेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, 30 नवंबर तक सभी प्रधान डाक पर होंगे जमा। म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम बदले, म्यूचुअल फंड हाउस के कर्मचारी के लिए सैलरी का 10% म्यूचुअल फंड में निवेश करना जरूरी। क्रेडिट डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो भुगतान का नया नियम लागू, बिना ग्राहक की जानकारी के बैंक खाते से नहीं काट सकेंगे। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए नॉमिनेशन की जानकारी जरूरी, नॉमिनेशन नहीं देने पर देना होगा डिक्लेरेशन फॉर्म। फूड बिजनेस चलाने वालों के लिए नियम, रसीदें या खरीद चलाने पर FSSAI लाइसेंस नंबर देना जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, क्वाड सैन्य मकसद के लिए नहीं है और ना ही हमने इसे किसी के खिलाफ बनाया। एस जयशंकर ने समिट में कहा, कुछ लोग फैला रहे हैं अफवाह, इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। समिट के दौरान वाले जयशंकर, हर देश की चुनौतियां अलग, हम भी देख रहे हैं अपना हित। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, चीन इस क्षेत्र का बड़ा और प्रभावशाली देश, इकोनॉमी के लिहाज से भी चीन दुनिया के लिए अहम। समिट के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन और अमेरिका से संबंधों को लेकर भारत का रखा पक्ष, दक्षिणी एशिया में अमेरिका और भारत पहले साथ नहीं किया काम, लेकिन अब तेजी से बदले हालात। चीन एलएसी पर बढ़ा रहा सैनिकों की तादाद, जुटा रहा है हथियारों का जखीरा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी जानकारी, भारत की चीन की हरकतों पर पैनी नजर। MEA प्रवक्ता का बयान, देश की सुरक्षा के लिए तैयारी पूरी। बागची ने कहा, चीन उकसाने वाली हरकतें करके LAC में बदलाव की कर रहा है कोशिश। एक सवाल के जवाब में बागची ने कहा, हमने LAC पर जो भी तैनाती की है वो चीन की तैयारियों के जवाब में है। MEA प्रवक्ता का बयान, अगर उस तरफ से कोई भी हरकत होती है तो भारत को पूरा हक है कि वो इसका जवाब दे। विद्युत जामवाल की सनक 15 अक्टूबर को होगी रिलीज, एक्टर ने एक और नया पोस्टर शेयर कर दी जानकारी। शमशेरा में रणबीर कपूर का डबल रोल, बाप बेटे की भूमिका में आएंगे नजर, फिल्म में रणबीर को दिखेगा हार्डकोर एक्शन। फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस की हिंदी रीमेक में अक्षय कुमार के साथ नजर आ सकते हैं इमरान हाशमी, फिल्म की शूटिंग यूके में होगी। करण मेहरा को घरेलू हिंसा मामले में मिली अग्रिम जमानत, पत्नी निशा रावल ने किया था केस। RBI से बैन हटाने के बाद HDFC बैंक ने जारी किए 4 लाख नए क्रेडिट कार्ड, बैंक ने सभी तरह के ग्राहक में रिकॉर्ड वृद्धि की दर हासिल की। कानपुर के कई शहरों में जोड़ने वाली डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करेगी इंडिगो, कंपनी ने कहा 31 अक्टूबर से कानपुर दिल्ली के बीच उड़ान शुरू होगी। ट्यूनीशिया में पहली बार महिला बनी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कैस सैयद ने कहा, देश को आर्थिक सामाजिक संकट से बचाने के लिए लिया फैसला। अमेरिका और उत्तर कोरिया में जल्द हो सकती है बातचीत, US विभाग ने कहा हमारी शत्रुतापूर्ण मंशा नहीं, बातचीत के लिए तैयार। भारत कर रही है नेपाल की मदद, शिक्षा क्षेत्र की परियोजनाओं और पुनर्निर्माण के लिए भारत ने दिए $50 मिलियन। स्पेन में पल्मा आइलैंड पर ज्वालामुखी का लावा अटलांटिक महासागर तक पहुंचा, 600 घर और करीब 21 किलोमीटर सड़क तबाह, जहरीली गैस निकलने का खतरा।